दोस्तों आज हम बात करेंगे अखंड भारत के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान के बारे में। सम्राट अशोक शासन अवधि 669 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक, राज्याभिषेक 272 से पूर्ववर्ती बिंदुसार उत्तरवर्ती दशरथ मौर्य, जन्म 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र पटना, निधन 232 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र पटना, समाधि पाटलिपुत्र, जीवन संगी देवी कारुबाकी पद्मावती तिस्से रक्षिता, घराना मौर्य राजवंश, पिता बिंदुसार, माता रानी धर्मा। विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट अशोक थे। अशोक बौद्ध धर्म को संरक्षण देने वाले प्रतापी राजा थे। सम्राट अशोक का पूरा नाम देवनमप्रिय अशोक था। उनका राजकाल 269 ईसा पूर्व से 232 प्राचीन भारत में था। मौर्य राजवंश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक राज्य का मौर्य साम्राज्य उत्तर में हिंदू कुश, तक्षशिला की श्रेणियों से लेकर के दक्षिण में गोदावरी नदी, सुवर्णगिरी पहाड़ी के दक्षिण तथा मैसूर तथा पूर्व में बंगाल पाटलिपुत्र से पश्चिम में अफगानिस्तान, ईरान, बलूचिस्तान तक पहुंच गया था। सम्राट अशोक का साम्राज्य आज का संपूर्ण भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश के अधिकांश भूभाग पर था। यह विशाल साम्राज्य उस समय तक से आज का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य रहा। चक्रवर्ती सम्राट अशोक विश्व के सभी महान एवं शक्तिशाली सम्राटों एवं राजाओं की पंक्तियों में हमेशा शीर्ष स्थान पर ही रहे हैं। सम्राट अशोक ही भारत के सबसे शक्तिशाली एवं महान सम्राट हैं। सम्राट अशोक को चक्रवर्ती सम्राट अशोक कहा जाता है, जिसका अर्थ है सम्राटों के सम्राट, और यह स्थान भारत में केवल सम्राट अशोक को ही मिला है। सम्राट अशोक को अपने विस्तृत साम्राज्य से बेहतर कुशल प्रशासन तथा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भी जाना जाता है। सम्राट अशोक ने संपूर्ण एशिया में तथा अन्य आज के सभी महाद्वीपों में बौद्ध पंथ का प्रचार किया। सम्राट अशोक के संदर्भ के स्तंभ एवं शिलालेख आज भी भारत के कई स्थानों पर दिखाई देते हैं। इसलिए सम्राट अशोक की ऐतिहासिक जानकारी अन्य किसी भी सम्राट या राजा से बहुत व्यापक रूप में मिल जाती है। सम्राट अशोक प्रेम, सत्य, अहिंसा एवं शाकाहारी जीवन प्रणाली के सच्चे समर्थक थे। इसलिए इनका नाम इतिहास में महान परोपकारी सम्राट के रूप में ही दर्ज हो चुका है। कलिंग युद्ध के 2 वर्ष पहले ही सम्राट अशोक बुद्ध ने, जिससे प्रभावित होकर बौद्ध अनुयायी हो गए हैं, और उन्हीं स्मृति में उन्होंने कई स्तंभ खड़े कर दिए जो आज भी नेपाल में उनके जन्मस्थल लुम्बिनी में माया देवी मंदिर के पास, सारनाथ बौद्ध मंदिर बोध गया, कुशीनगर एवं आदि श्रीलंका, थाईलैंड, चीन, इन देशों में आज भी अशोक स्तंभ के रूप में देखे जा सकते हैं। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अलावा श्रीलंका, अफगानिस्तान, पश्चिम एशिया, मिस्र तथा यूनान में भी करवाया। सम्राट अशोक अपने पूरे जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारे। सम्राट अशोक के समय तक्षशिला, नालंदा आदि विश्वविद्यालय प्रमुख थे। इन्हीं विश्वविद्यालयों में विदेश से कई छात्र शिक्षा पाने भारत आया करते थे। ये विश्वविद्यालय उस समय के उत्कृष्ट विश्वविद्यालय थे। शिलालेख प्रारंभ करने वाला पहला शासक बाद में आरंभ हुआ था। अशोक ने सर्वप्रथम बौद्ध पंथ का सिद्धांत लागू किया जो आज भी भारत में कार्यरत है। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। आरंभिक जीवन जो थी, चक्रवर्ती अशोक सम्राट बिंदुसार तथा रानी धर्मा का पुत्र था। लंका की परंपरा में बिंदुसार की 16 पटरानियां और 101 पुत्रों का उल्लेख है। पुत्रों में केवल 3 का नाम उल्लेख है, वे हैं सुसीम जो सबसे बड़ा था अशोक, तथा तिस्से। तिस्से अशोक का सहोदर भाई और सबसे छोटा था। एक दिन धर्मा को स्वप्न आया कि उसका बेटा एक बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। उसके बाद उसे राजा बिंदुसार ने अपनी रानी बना लिया।
चूंकि धर्म क्षत्रिय कुल से नहीं था अतः उसका कोई विशेष स्थान राजकुल में प्राप्त नहीं था। अशोक के कई सौतेले भाई बहन थे, बचपन में उनमें कड़ी प्रतिस्पर्धा रही थी। अशोक के बारे में कहा जाता है कि वो बचपन से सैन्य गतिविधियों में प्रवीण था। 2000 वर्षों के पश्चात सम्राट अशोक का प्रभाव एशिया मुख्यतः भारत महाद्वीप में देखा जा सकता है। अशोक काल में उकेरा गया प्रतीकात्मक चिन्ह जिसे हम अशोक चिन्ह के नाम से भी जानते हैं आज भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। बौद्ध पंथ के इतिहास में गौतम बुद्ध के पश्चात सम्राट अशोक का ही स्थान आता है। दिव्यदान में अशोक की एक पत्नी का नाम तिस्सरक्षिता मिलता है। उसके उल्लेख में केवल उसकी पत्नी करुणावती है। दिव्यदान में अशोक के दो भाइयों सुसीम तथा विगताशोक का नाम भी उल्लेख है। अशोक का ज्येष्ठ भाई सुसीम उस समय तक्षशिला का प्रांतपाल था। तक्षशिला में भारतीय यूनानी मूल के बहुत लोग रहते थे, इससे वह क्षेत्र विद्रोह के लिए उपयुक्त था। सुसीम के अकुशल प्रशासन के कारण भी उस क्षेत्र में विद्रोह पनप उठा। राजा बिंदुसार ने सुसीम के कहने पर राजकुमार अशोक को विद्रोह के दमन के लिए वहां भेजा। अशोक के आने की खबर सुनकर के विद्रोहियों ने उपद्रव खत्म कर दिया और विद्रोह बिना किसी युद्ध के खत्म हो गया। हालांकि यहाँ पर विद्रोह एक बार फिर अशोक के शासनकाल में हुआ था, पर इस बार उसे बलपूर्वक कुचल दिया गया। अशोक की इस प्रसिद्धि से उसके भाई सुसीम को सिंहासन न मिलने का संकट बढ़ गया। उसने सम्राट बिंदुसार को कहकर अशोक को निर्वास में डाल दिया। अशोक कलिंग चला गया, वहां उसे मत्स्य कुमारी कवरकी से प्रेम हो गया। वर्तमान में मिले साक्ष्यों के अनुसार बाद में अशोक ने उसे तीसरी या दूसरी रानी बनाया था। इसी बीच उज्जैन में विद्रोह हो गया। अशोक को सम्राट बिंदुसार ने निर्वासन से बुलाया, विद्रोह को दबाने के लिए वहां भेज दिया। हालांकि उसके सेनापति ने विद्रोह को दबा दिया, पर उसकी पहचान गुप्त ही रखी गई क्योंकि मौर्य राजा द्वारा फैलाए गए गुप्तचर जाल से उसके बारे में पता चलने के बाद उसके भाई सुसीम द्वारा उसे मरवाए जाने का भय था। वह बुद्ध सन्यासियों के साथ रहता था। इसी समय उसे बौद्ध विधि विधानों तथा शिक्षाओं का पता चला था। यहाँ पर एक सुंदरी जिसका नाम देवी था, उससे अशोक को प्रेम हो गया। स्वस्थ होने के बाद अशोक ने उससे विवाह कर लिया। कुछ वर्षों के बाद सुसीम से तंग आ चुके लोगों ने अशोक को राजसिंहासन हत्या क्योंकि सम्राट बिंदुसार वृद्ध हो चुके थे। जब वह आश्रम में थे तब उनको समाचार मिला कि उनकी माँ को उनके सौतेले भाइयों ने मार डाला। अब उन्होंने राजभवन में जाकर के अपने सारे सौतेले भाइयों की हत्या कर दी और सम्राट बने। सत्ता संभालते ही अशोक ने पूर्व तथा पश्चिम दोनों दिशा में अपना साम्राज्य फैलाना प्रारंभ किया। उसने आधुनिक असम से ईरान की सीमा तक साम्राज्य केवल 8 वर्षों में विस्तृत कर लिया। कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक के हृदय में महान परिवर्तन कर दिया क्योंकि उस युद्ध में 1 लाख लोगों की हत्या कर दी गई और 1.5 लाख लोग घायल हुए। सम्राट अशोक ने भारी नरसंहार को अपनी आंखों से देखा। उपगुप्त बौद्ध भिक्षुक से उपाय पूछा। इससे द्रवित होकर के सम्राट अशोक ने शांति, सामाजिक प्रगति तथा धार्मिक प्रचार किया। उनका हृदय मानवता के प्रति दया और करुणा से उद्वेलित हो गया। उन्होंने युद्ध क्रियाओं को सदा के लिए बंद कर देने की प्रतिज्ञा की। यहाँ से अध्यात्म और धम्म विजय युग का आरंभ हुआ। उन्होंने महान बौद्ध धर्म को अपना धर्म स्वीकार किया। सिंहली अनुश्रुतियों दीपवंश एवं महावंश के अनुसार सम्राट अशोक को अपने शासन के 14वें वर्ष में निगोथ नामक भिक्षु द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई थी। तत्पश्चात मोगाली पुत्र निस्सा के प्रभाव से वे पूर्णतः बौद्ध हो गए थे। दिव्यदान के अनुसार सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षुक को जाता है। सम्राट अशोक अपने शासनकाल के 10वें वर्ष में सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा की थी। तदुपरांत अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में
लुम्बिनी की यात्रा की थी तथा लुम्बिनी ग्राम को करमुक्त घोषित कर दिया था। कलिंग युद्ध में हुई क्षति तथा नरसंहार से उनका मन युद्ध से ऊब गया और अपने कृत्य को लेकर के व्यथित हो उठे। इसी शोक में उबरने के लिए वह बुद्ध के उपदेशों के करीब आते गए और अंत में उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद उन्होंने उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी किया। उन्होंने शिकार तथा पशु हत्या करना छोड़ दिया। उन्होंने सभी संप्रदायों के संन्यासों को खुलकर के दान देना भी आरंभ किया और जन कल्याण के लिए उन्होंने चिकित्सालय, पाठशाला तथा सड़कों आदि का निर्माण करवाया। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, सीरिया, मिस्र तथा यूनान भी भेजा। इसी कार्य के लिए उसने अपने पुत्र एवं पुत्री को भी यात्राओं पर भेजा था।